Okay, so good morning. As you are aware that we are discussing the topic pattern allowance, and a part of this we have discussed in the last lecture. Now we will continue to the various types of pattern allowances. Pattern allowance kya hota hai, kyun diya jata hai, what is the need, why it is important to give pattern allowances, that these things we have discussed in the last lecture. और श्रिंकेज अलाउंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम लोग ले चुके हैं कि क्या क्यों ये श्रिंकेज अलाउंस दिया जाता है, व्हाट इज द नीड. ठीक है, तो ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई भी मेटल है आप उसको पहले तो मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद वो मोल्टन स्टेट में आएगा. मोल्टन स्टेट में आने के बाद आप उसको उस पोरिंग टेम्परेचर पर आप उसको पोर करेंगे, फिर वो ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद वो सिकुड़ेगा. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो साइज होगा कास्टिंग का वो साइज कम हो जाएगा. कास्टिंग का जो साइज होगा वो सिकुड़ने की वजह से कम हो जाएगा. तो हम क्या चाहते हैं कि आपका जो कास्टिंग बने, आपका जो प्रोडक्ट बने वो कम साइज का ना बने. इसीलिए हम क्या करते हैं, पैटर्न के साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं. और जो थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं वो क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उतना साइज मेटल का कम हो जाएगा. कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, सिकुड़ने की वजह से उतना जो साइज है वो कास्टिंग का कम हो जाएगा, और जितना साइज कास्टिंग का कम होगा उतना ही हम पैटर्न पर बढ़ा देते हैं. ठीक है, तो सिकुड़ने की वजह से जो मेटल के मेटल में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्शन को कंपनसेट करने के लिए वी प्रोवाइड एन अलाउंस ऑन द पैटर्न. दिस अलाउंस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस बिकॉज दिस अलाउंस विल कंपनसेट द लॉस ऑफ मेटल because of the contraction of metal from pouring temperature to the room temperature. ठीक है, ये ऐसा कुछ मैंने बताया था. ठीक है, आज तो फिर मैंने आपसे बोला था कि भाई तीन टाइप का contraction होता है. तीन टाइप का contraction मतलब कि जब आपका molten metal आपका pouring temperature मतलब वो temperature जिस temperature पे आप मोल्टन मेटल को पोर करते हो कैविटी के अंदर, जब आपका मोल्टन मेटल पोरिंग टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर तक जाता है. रूम टेम्परेचर मतलब भाई रूम टेम्परेचर तक क्यों, क्योंकि आप मेटल को मार्केट में बेचोगे तो रूम टेम्परेचर पे ही तो बेचोगे, जो आसपास का सराउंडिंग टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर बेचेंगे. तो आपका मोल्टन मेटल जब पोरिंग टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर तक जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन यहां पर होता है. ऐसा जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन तीन स्टेज में होता है. कितने स्टेज में होता है, तीन स्टेज में. अब फिर ये चीजें समझाने के लिए मैंने आपसे बोला था कि आइस का एग्जांपल मैंने आपको दिया था. मैंने बोला था कि मान लिया कि आपके पास -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस है. ठीक है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस है, और मैंने बोला था अगर आप -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को 130 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 130 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बताइए ये कन्वर्ट कैसे होगा. ठीक है, ऐसा कुछ मैंने बोला था, है ना, यहां तक बोला था. तो मैंने आपसे भी बोला था कि दो टाइप की हीट मैंने बोली थी, एक होती थी लेटेंट हीट और एक होती है स्पेसिफिक. ठीक है, ये दोनों चीजें बताई थी मैंने, एक होती है लेटेंट हीट और एक होती है स्पेसिफिक हीट. लेटेंट हीट तब पिक्चर में आती है जब मेटल का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो लेकिन फेज में चेंज हो. फेज कैसी हो, चेंज, फॉर्म चेंज हो जाए, फेज या फॉर्म चेंज हो जाए. ठीक है, फेज में चेंज हो. फेज क्या होती है, सॉलिड या स्टेट बोल सकते हो, स्टेट में चेंज होना चाहिए. स्टेट मतलब सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या वेपर स्टेट, तीन टाइप की स्टेट होती है ना, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट, ठोस द्रव गैस, तीन अवस्थाएं होती है मैटर की. तो जब उसके स्टेट में चेंज हो, टेम्परेचर में चेंज ना हो, तो भाई उस टाइम पर लेटेंट हीट पिक्चर में आता है. और जब टेम्परेचर में चेंज हो, स्टेट में कोई भी चेंज ना हो, तो उस टाइम पे कौन सा, उस टाइम पर लेटेंट हीट पिक्चर में आता है. ठीक है, लेटेंट हीट को हमें कंसीडर करना होता है. यहां तक मैंने थोड़ा आपको डिस्कस कर दिया, यहां तक चीजें हो गई थी सर. यस सर. हाँ बोलो सर. फॉर्म चेंज हो लेकिन टेम्परेचर में चेंज हो तो वो स्पेसिफिक हीट होती है. फॉर्म में चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा तो वो स्पेसिफिक हीट होगी. यस सर. फॉर्म का मतलब है जैसे अगर कोई लिक्विड है तो वो लिक्विड में ही रहे, टेम्परेचर उसका या तो घट जाए या बढ़ जाए, तो वो आपकी स्पेसिफिक हीट में आता है. ठीक है, लेटेंट हीट में फेज में चेंज होता है, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है.
याद रखने का तरीका लेटेंट का मतलब होता है कोई ऐसी अवस्था जो चुपके से दी जा रही है, गुप्त तरीके से, किसी के बारे में पता ही नहीं है। अब पता कब नहीं चलेगा, जब किसी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। भाई आप हीट देते जा रहे हो, आप हीट देते जा रहे हो और देख रहे हो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, अभी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन पहले जहां वो लिक्विड था अब वो गैस में बदल गया। आप फिजिकली थोड़ी ना देख रहे हो, आप टच कर देख रहे हो भाई गर्म है या ठंडा है, जिस टेम्परेचर पर था उसी टेम्परेचर पर है। मतलब आपको चेंज जो है वो पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, इज नॉट विजिबल, गुप्त तरीके से दिया जाए तो वो लेटेंट हीट होती है, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक मैंने इतना बताया दिया था। अब मैंने आपसे बोला था कि अब हम देखेंगे कि किस तरीके से -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को आप 130 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। ये कुछ स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स क्यों बताने हैं, क्योंकि भाई जब आप कास्टिंग से रिलेट करेंगे, मोल्टन मेटल से पोरिंग टेम्परेचर तक, सॉरी पोरिंग टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर तक आपका मेटल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। आपका मेटल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज होता है लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है सॉलिडिफाइंग कॉन्ट्रैक्शन और तीसरा होता है सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। ये चीजें हम पढ़ेंगे बाद में, पहले ये आइस वाला कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जिससे आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाए, ओके। चलिए, तो अब मैं बात करता हूं आइस के बारे में। मान लीजिए कि मेरे पास आइस थी, आइस कितने टेम्परेचर पे, मैंने आपसे बोला ये आइस है मेरे पास और इस आइस से मुझे 130 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में जाना है। ये आइस कितनी है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड की मेरे पास आइस है और -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस से मुझे 130 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में जाना है, ठीक है, भाप में जाना है। तो कैसे जाएंगे, इनके बीच में क्या क्या स्टेजेस होंगी वो मुझे देखना है। तो देखो, ये डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होंगी, तो क्या होगा, पहले क्या होगा, पहले आपकी जो आइस है आपको, अच्छा एक चीज और याद होनी चाहिए, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर मैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात करता, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करता हूँ, ठीक है, 3.01325 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करता हूँ, तो आपको पता होगा कि भाई एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका जो वाटर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा कुछ याद है आपको, पता है? यस सर। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है। मतलब जब आइस होगी तो जब आपकी आइस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, मतलब जबकि आइस वाटर में कन्वर्ट होती है तो आपको हीट रिमूव करना, मतलब हीट देनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन उसको बोलते हैं, है ना। इसी तरीके से जब आपका वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है तो आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देनी पड़ती है, और जब आपका स्टीम वाटर में कन्वर्ट होती है तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, उतनी हीट आपको रिमूव करनी होती है ना। ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए इसका। तो मैंने आपसे बोला अभी कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस पहले क्या होगी, पहले -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस जो है सबसे पहले क्या होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट होगी, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस। तो देखो यहां भी ये सॉलिड है, मतलब यहां भी आइस है और यहां भी आइस है, क्या इसकी फेस चेंज हुई, क्या इसकी फेज या स्टेट चेंज हुई, नहीं हुई। No, क्यों, क्योंकि यहां भी आइस थी, यहां भी सॉलिड है और यहां भी सॉलिड है, लेकिन टेम्परेचर जो -10 था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, -10 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो गया। तो आपको पता है कि जब भी चेंज टेम्परेचर में चेंज हुआ यहां पर कॉन्ट्रेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना, ऐसा कुछ आइडिया है। तो पहला स्टेट ये हो गई कि भाई आपका आइस से आइस में रहा, तो ये कॉन्ट्रैक्शन अगर हम बात करेंगे, वो हालांकि सॉलिड होता है ये तो हीट अप हो रहा है तो इसमें कुछ नहीं है, ये बात हम बाद में करेंगे क्योंकि मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने हीट दिया तो पहली स्टेज तो ये होगा कि भाई आपकी आइस पहले आइस में ही रहेगी, इसमें लिक्विड में कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस किसमें कन्वर्ट होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, किसमें कन्वर्ट होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब बताइए, यहां आइस अच्छा। थी, यहां वाटर था, ठीक है, फेज में चेंज हो गया, स्टेट में चेंज हो गया, लेकिन टेम्परेचर अभी भी
जीरो डिग्री सेंटीग्रेड है. सेम. तो बताइए कौन सी हीट देनी निकाल देनी पड़ेगी यहाँ पर. लेटेंट हीट. लेटेंट हीट. और इससे पहले कौन सी दी थी स्पेसिफिक हीट क्योंकि टेम्परेचर में चेंज हुआ. Specific. ये स्पेसिफिक हीट. ये लेटेंट हीट. और ये लेटेंट हीट कौन सी है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. गलन की गुप्त ऊष्मा जिसको हिंदी में बोलते हैं. ठीक है. तो पहले आपको पता चला कि भाई माइनस दस डिग्री सेंटीग्रेड की आइस पहले जीरो डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में कन्वर्ट हो गई. फिर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड की आइस जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगी. ये स्टेप समझ में आ गए. अब क्या होगा. अब जो आपका जीरो डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है आइस है सॉरी जीरो डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है अब वो किसमें कन्वर्ट होगा. किसमें कन्वर्ट होगा. 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में. 100 अब वो किसमें कन्वर्ट होगा. 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में. वाटर में अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट हो गया. आपने देखा भाई इससे पहले जो इसकी अवस्था थी वो भी वाटर में था अभी भी वाटर में है. तो कौन सी हीट दी. फेज में चेंज नहीं हुआ तो स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट देंगे कि नहीं. और टेम्परेचर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड से कितना हो गया 100 है ना. तो स्पेसिफिक हीट देंगे क्योंकि टेम्परेचर में चेंज हुआ. फिर क्या होगा आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वाटर है अब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में कन्वर्ट होगा. 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर किस में कन्वर्ट होगा. 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में कन्वर्ट होगा. स्टीम. क्या यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज हुआ. नहीं. लेकिन स्टेट चेंज हो गई. पहले अगर वो वाटर अवस्था थी लिक्विड उसकी अवस्था थी अब वो लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया. तो लेटेंट हीट अब यहाँ दे रहे हैं. फिर क्या होगा. अब ये फाइनली अपने फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा. 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी. 130 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में. और कौन सी हीट देनी पड़ेगी हमें. स्पेसिफिक हीट देनी पड़ेगी. स्पेसिफिक हीट ऑफ ये स्पेसिफिक हीट देनी पड़ेगी. तो ये कुछ बीच के स्टेप्स होते हैं. हम देखते हैं कि भाई नॉर्मली आपने आइस ली बर्फ ली गरम बर्तन में रखा और देखा कि भाई वो तो स्टीम में बदल गई. लेकिन वो डायरेक्टली स्टीम में नहीं बदलती है. वो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए स्टीम में बदलती है. ठीक है. तो आपको ये स्टेप पता होने चाहिए. ठीक है. ये समझ में आ गया. ये सारी चीज समझ में आ गया. अब यही कुछ कंसेप्ट. इसमें तो हमने हीटअप किया है. अब चाहो तो इसका उल्टा चल सकते हो. रिवर्स में स्टीम में से आप स्पेसिफिक हीट निकालोगे. इतनी हीट निकालोगे तो 100 डिग्री 130 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम फिर किसमें कन्वर्ट होगी. 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में. फिर लेटेंट हीट निकालोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगी. इसका उल्टा बता रहा हूँ. फिर आप स्पेसिफिक हीट निकालोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगा. फिर उसमें से हीट निकालोगे तो लेटेंट हीट निकालोगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में कन्वर्ट होगा. फिर हीट निकालोगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस 100 डिग्री माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में कन्वर्ट होगी. तो ये रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा. है कि नहीं. तो ये ही ऐसी कुछ प्रोसेस या ऐसी कुछ इंसिडेंट वहां होता है जब हम मोल्टन मेटल की बात करते हैं. ठीक है. चलिए अब मोल्टन मेटल की जब बात करते हैं तो मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल ले लेता हूँ एल्यूमिनियम का. ठीक है बेटा. किसका एग्जांपल लेता हूँ. एल्यूमिनियम का. ये समझाने के लिए ये बताना मुझे जरूरी था क्योंकि ये आपको हो सकता है नहीं पता हो लेकिन अब थोड़ा चीजें समझ में आ गई होंगी. अब ऐसे ही मैं बात करता हूँ कि आपके पास मोल्टन मेटल था. अच्छा एक बात मैं सिंपली एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ. मैंने ये मान लिया कि 650 डिग्री सेंटीग्रेड एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ ना. मैं एल्यूमिनियम की कास्टिंग कर रहा हूँ. किसकी कास्टिंग कर रहा हूँ. एल्यूमिनियम की. ठीक. एल्यूमिनियम को कास्ट कर रहा हूँ. एल्यूमिनियम को कास्टिंग बना रहा हूँ. और एक बात याद रखें कि 650 डिग्री सेंटीग्रेड इसका फ्यूजन टेम्परेचर है. कौन सा टेम्परेचर है. फ्यूजन मतलब 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका एल्यूमिनियम पिघल जाएगा. मैं बस ये मान रहा हूँ. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला है कि 650 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फ्यूजन टेम्परेचर है एल्यूमिनियम का. तो मतलब इतने टेम्परेचर पर आपका जो एल्यूमिनियम है पिघल जाएगा. तो याद रखना है जहां भी फेज में चेंज होना है वो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है. अब मैंने आपसे बोला कि मेरे पास मोल्टन एल्यूमिनियम था. वो मोल्टन एल्यूमिनियम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर है. कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर है. 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर. मतलब पोरिंग टेम्परेचर जो मोल्टन एल्यूमिनियम का है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है. ठीक है. 1000
डिग्री सेंटीग्रेड पोरिंग टेम्परेचर है एल्यूमिनियम का, मतलब अभी जो मोल्टन मेटल है, मोल्टन एल्यूमिनियम है, वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर आप हमें ये बताइए एल्यूमिनियम तो 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाता है, फिर आपने 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म क्यों किया? वो गर्म मैंने इसलिए किया, आपको पता है कि 650 पे तो पिघल जाएगा, पता चला कि आपने थोड़ा सा जैसे ही उसको पोर किया पोरिंग कप में, फिर वो स्क्रू में जाएगा, थोड़ा सा पता चला कि जैसे ही आपने पोर किया वो तुरंत जम गया, थोड़ी सी हीट निकली तुरंत जम गया। अगर वो तुरंत जम जाएगा तो फ्लो थोड़ी नहीं हो पाएगा भाई, थोड़ा बहुत मार्जिन लेके चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा, क्यों भाई? Yes, sir. अगर मैंने आपसे बोला yes, कि फ्रिज में जब आप बर्फ रखी होती है, ठीक है, तो एक तो बर्फ तुरंत जमी है तो आप जैसे उंगली उसमें डालते हो तुरंत फूट जाती है, मतलब उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई है, ठीक है। तो उससे जितनी ज्यादा आप हीट निकालते जाओगे वो उतनी सॉलिड होती जाएगी, है ना। इसी तरीके से कोई मेटल है जितना उसमें आप हीट देते जाओगे, एल्यूमिनियम होगा, उतना ही ज्यादा कैसी होती जाएगी, लिक्विड ज्यादा फॉर्म में कन्वर्ट होती जाएगी, होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी? बिल्कुल होगी। तो मैंने इसीलिए बोला उसको थोड़ा सा मार्जिन के हिसाब से आप 100-1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैंने उसको हीट अप कर लिया, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब मैंने आपको देखा कि जब ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का जो लिक्विड एल्यूमिनियम है, अगर मैं उसको पोरिंग रूम टेम्परेचर तक ठंडा करता हूँ, रूम टेम्परेचर तक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, और मैंने मान लिया कि जो रूम टेम्परेचर है वो कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये अज्यूम कर रहा हूँ मैं, रूम टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मुझे यहाँ तक उसको चेंज करना है। अब ये जो स्टेट है उसकी, एल्यूमिनियम पहली वाली स्टेट कौन सी होगी, लिक्विड होगी या सॉलिड होगी, बस आप मुझे ये बताओ। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आपका एल्यूमिनियम होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा कि सॉलिड स्टेट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें? लिक्विड पिघल जाएगा, लिक्विड में होगा। और जब रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो किस अवस्था में होगा, किस स्टेट में होगा? सॉलिड, सॉलिड स्टेट में रहेगा आपका, ठीक है। चलिए अब इसके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्शन होंगे, कितने टाइप के होंगे, कैसे कैसे रहेंगे, वो सारी चीजें हमें स्टडी करनी है, ठीक है। तो देखो इसके बीच में तीन स्टेज रहती हैं, कितनी स्टेज रहेंगी, तीन, तीनों में बता देता हूँ। पहले क्या होगा आपका जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो लिक्विड एल्यूमिनियम है वो कन्वर्ट हो जाएगा कितने में, वो कन्वर्ट किस में होगा, आपके 650 डिग्री सेंटीग्रेड के लिक्विड एल्यूमिनियम में। यस सर। आपका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का जो लिक्विड एल्यूमिनियम था वो 650 डिग्री सेंटीग्रेड के लिक्विड एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. क्योंकि वो कूल होना स्टार्ट होगा। अब आपने देखा कि भाई यहाँ पर ये एल्यूमिनियम है लिक्विड फॉर्म में और यहाँ भी ये लिक्विड फॉर्म में है, तो क्या इसकी स्टेट चेंज हुई, क्या इसकी स्टेट चेंज हुई? नहीं हुई। अच्छा, क्या टेम्परेचर चेंज हुआ? हो गया। मतलब स्पेसिफिक हीट आपने इतनी निकाली है, इसमें से इतनी हीट निकाली है, स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट यहाँ पर आया। और जब कोई टेम्परेचर 1000 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हुआ तो आप मुझे बताइए क्या इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? होगा कॉन्ट्रैक्शन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, क्योंकि यहाँ भी लिक्विड है और यहाँ भी लिक्विड है, 1000 डिग्री 1000 पे भी लिक्विड है और 650 पे भी लिक्विड है, तो इस कॉन्ट्रैक्शन को बोलेंगे लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन। इस कॉन्ट्रैक्शन को कौन सा कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे? लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन। देखो नीचे आपको दिख रहा होगा, पहला स्टेप दिख रहा है, मैंने लिखा हुआ है, देखो नीचे दिख रहा है ना, तीन स्टेप में लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन लिखा है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड फ्रॉम पोरिंग टेम्परेचर टू द फ्रीजिंग टेम्परेचर। क्योंकि ये इसका कौन सा टेम्परेचर है? फ्रीजिंग टेम्परेचर। फ्यूजन और फ्रीजिंग दोनों सेम रहेंगे टेम्परेचर, ठीक है। लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, दूसरा जो कॉन्ट्रैक्शन होगा आपका, दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन में होगा आपके पास ये 650 डिग्री सेंटीग्रेड का जो लिक्विड है, अब 650 डिग्री सेंटीग्रेड के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या देख रहे हो कि भाई यहां पर तो लिक्विड है और यहां पर क्या है, सॉलिड है, ठीक है। टेम्परेचर कितना है दोनों का? सेम। तो यहां पर बताइए कौन सी हीट पिक्चर में आएगी, लिक्विड हीट, सॉरी लेटेंट हीट, या लेटेंट हीट आएगी। और आप देख रहे हो ये लिक्विड से किसमें बदल रहा है, सॉलिड में। लिक्विड से किसमें बदल रहा है, सॉलिड में। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है। बोले कि सर ये लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा है। आप मुझे अब एक बात बताइए,
तो इसको हम सॉलिडिफाइंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोल सकते क्या, कि आपका लिक्विड है वो सॉलिडिफाई हो रहा है, आपका लिक्विड अब सॉलिडिफाई हो रहा है कि नहीं, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्शन को इसको बोलते हैं सॉलिडिफाइंग कॉन्ट्रैक्शन। देखो दूसरा वाला सॉलिडिफाइंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं, इसमें क्या होगा आपका जो लिक्विड है वो मेटल है वो लिक्विड स्टेट से या लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में चेंज हो रहा है। अब क्योंकि लिक्विड और सॉलिड, जब कोई चीज लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो आप बताइए क्या उनका वॉल्यूम कम नहीं होगा, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज होगा, तो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो सॉलिडिफाइंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होगा, सॉलिडिफाइंग कॉन्ट्रैक्शन। और तीसरी स्टेज क्या होगी, तीसरी स्टेज क्या होगी, आपका 650 वाला जो सॉलिड है वो रूम टेम्परेचर वाले सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, 650 वाला सॉलिड रूम टेम्परेचर वाले सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 650 वाला एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के सॉलिड एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड, तो ये तीसरी स्टेज जो होती है इसको बोलते हैं, तीसरी स्टेज को बोलते हैं सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जिसमें आपका लिक्विड जो है लिक्विड फॉर्म से हाइयर टेम्परेचर के लिक्विड से लोअर टेम्परेचर सॉरी हाइयर टेम्परेचर के सॉलिड से लोअर टेम्परेचर के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कूलिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कूलिंग फ्रॉम फ्रीजिंग टेम्परेचर टू द रूम टेम्परेचर, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर से अब आपका जो सॉलिड है वो रूम टेम्परेचर तक कूल होगा, तो इस कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है भाई। तीनों कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गए, लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन, सॉलिडिफाइंग कॉन्ट्रैक्शन, सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और पूछे गए हैं। देखो पहला जो कॉन्ट्रैक्शन होता है लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन, इसमें आपका मेटल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो राइजर था हमारा, मैंने बोला था राइजर है और गेट जो है उसमें मेटल भरा हुआ होता है ना, तो होगा क्या, जैसे ही कैविटी के अंदर से मेटल ठंडा होगा तो राइजर में जो मेटल है वो वापस आ जाएगा कैविटी के अंदर, मोल्ड के अंदर दोबारा से वापस आ जाएगा, तो जो भी लॉस होगा मेटल का कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वो उसको कंपनसेट कर देगा, ठीक है। और ऐसा ही सॉलिडिफाइंग कॉन्ट्रैक्शन में होता है, कि जब सॉलिडिफाइंग कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पर भी आपका जो लिक्विड मेटल है, आपका जो मेटल जो कि राइजर में अवेलेबल है, रनर में अवेलेबल है और जो गेट में अवेलेबल है, वो दोबारा से आपके मोल्ड में बैक फ्लो हो जाता है, तो जो भी लॉस होता है, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से कास्टिंग का साइज कम होता है, तो क्या होता है, जैसे ही कास्टिंग का साइज कम होगा तो राइजर में जो मेटल ज्यादा अवेलेबल है वो बैक फ्लो होकर के कास्टिंग में जो मोल्ड में जो मेटल में कमी होती है उसको पूरा कर देता है, कंपनसेट कर देता है। तो पहले वाला दैट इज लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन और सॉलिडिफाइंग कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन कंपनसेट हो जाते हैं किसकी वजह से, राइजर और गेट में जो मोल्टन मेटल अवेलेबल है उससे। तो आप बताइए क्या ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन श्रिंकेज अलाउंस में कोई रोल प्ले करेंगे या नहीं, क्या ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन श्रिंकेज अलाउंस में कोई रोल प्ले करेंगे कि नहीं करेंगे सर? नहीं करेंगे, करेंगे इसलिए नहीं, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपकी मम्मी ने आपको 50 रुपए दिए, ठीक है, आपकी माता जी ने आपको 50 रुपए दिए, अब आप चलते चलते जा रहे हो, अचानक से वो 50 रुपए खो गए, कहीं गिर गए, तो आपके माइंड में बेचैनी होगी, बोले यार 50 रुपए खो गए, 50 रुपए खो गए। अब हुआ क्या कि किसी ने आकर के आपको 50 रुपए दे दिए, कोई आया बंदा फरिश्ता और उसने आपको 50 रुपए दे दिए, अब आप बताओ आपके माइंड में स्ट्रेस होगा? No, मतलब कोई मतलब नहीं है, 50 रुपए खो गए नहीं खो गए कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये जो दो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन और सॉलिडिफाइंग कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कास्टिंग के साइज में जो कमी होती है वो तो कंपनसेट हो गई ना, किसकी वजह से, राइजर में और गेट में जो मेटल अवेलेबल है उससे, तो इनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है श्रिंकेज अलाउंस में। अब तीसरा जो रिस्पॉन्सिबल है श्रिंकेज अलाउंस के लिए वो ये वाला है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है फॉर श्रिंकेज अलाउंस इज सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर श्रिंकेज अलाउंस, तो कौन सा है, सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन, क्यों, क्योंकि भाई राइजर वाला मेटल भी जम चुका है, गेट वाला भी जम चुका है, अब वो फ्लो नहीं हो सकता, बैक फ्लो नहीं हो सकता, तो होगा क्या, आपका जो कास्टिंग होगी, आपका जो कास्टिंग बनेगी वो कम साइज की बनेगी, और जो साइज में कमी होगी उसी को बोलते हैं सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। अब जितने साइज में कमी होगी तो आपको क्या होगा, उतना ही साइज आप पैटर्न पर बढ़ा देंगे,
सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन में कैविटी जो सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन में आपका जो कास्टिंग होगी जितना सिकुड़ जाएगी जितना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी उतना ही साइज आप क्या करोगे बढ़ा दोगे किस पर उतना ही साइज आप किस पर बढ़ा दोगे पैटर्न पर ठीक है और उसी लाइंस उसी अलाउंस को क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस क्यों क्योंकि आपने जो साइज पैटर्न पर बढ़ाया कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस को कंपनसेट करने के लिए ठीक है मेटल के कॉन्ट्रैक्शन को कंपनसेट करने के लिए आपने उतना साइज पैटर्न पर बढ़ाया है उन्हीं अंतर को द डिफरेंस इन द साइज ऑफ पैटर्न एंड दैट ऑफ एक्चुअल कास्टिंग बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस तो बस आपको इतना ही लिखना है ठीक है तो आपको क्या लिखोगे टू कंपनसेट द लॉस ऑफ मेटल ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम पोरिंग टेम्परेचर टू रूम टेम्परेचर we add some dimensions or we increase the size of pattern this increase in size is called shrinkage allowance ठीक है because it comes due to the contraction of the metal के contraction की वजह से हम क्या करते हैं जितना contraction होता है उतना ही size हम pattern पर बढ़ा देते हैं उसी को हम बोलते हैं contraction allowance ठीक है बस आपको इतना लिखना है तो इस allowance को क्या बोलते हैं contraction allowance जब भी कोई हॉट मेटल जो होता है कोरिंग टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर पर जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इसी कॉन्ट्रैक्शन को कंपनसेट करने के लिए या बोल सकते हो टू कंपनसेट दिस कॉन्ट्रैक्शन वी इंक्रीज और वी एड सम डायमेंशन टू द पैटर्न और वी इंक्रीज द साइज ऑफ पैटर्न दिस इंक्रीज इन द साइज इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस दैट विल कंपनसेट द लॉस ऑफ मेटल बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम रूम टेम्परेचर सॉरी पोरिंग टेम्परेचर टू द रूम टेम्परेचर आ गया समझ में भाई तीन टाइप के कॉन्ट्रैक्शन सॉलिड लिक्विड और सॉलिडिफाइंग कॉन्ट्रैक्शन ये तीन कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गए अब मैं आपसे पूछूं बताइए कौन सा कॉन्ट्रैक्शन है जो विच कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर श्रिंकेज अलाउंस कौन सा कॉन्ट्रैक्शन श्रिंकेज अलाउंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है बताइए सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन ठीक है अब मैं आपसे पूछूं which contractions will be compensated by the riser and gates liquid contraction and solidifying liquid and solidifying contraction ठीक है आ गया समझ में चलिए तो एक दो पॉइंट और लिखने होते हैं तो ये लिख दिया है मैंने आप ये चीजें ऐड कर देना फर्स्ट टू कॉन्ट्रेक्शन दैट इज लिक्विड एंड सॉलिडिफाइंग कॉन्ट्रेक्शन आर कंपनसेटेड बाई द राइजर एंड गेट्स while the third contraction that is कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन लास्ट स्टेज सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन इज कंसिडर्ड एज द रिस्पॉन्सिबल फॉर श्रिंकेज अलाउंस ये लिख देना है ठीक है अब इसमें और बता दिया गया कि क्यों दिया जाता है तो यही बोला है अगर सो बिकॉज ऑफ श्रिंकेज अब ये वाली लाइन आप एड कर देना सो बिकॉज ऑफ श्रिंकेज इफ एक्चुअल साइज ऑफ फाइनल कास्टिंग इज टेकन एज द डायमेंशन ऑफ पैटर्न देन रिजल्टिंग कास्टिंग विल बी स्मॉलर देन द डिजायर्ड Hence, the pattern is made larger as compared to the required size of casting. आप अपने हिसाब से लिख सकते हो ठीक है सो टू कंपनसेट द कॉन्ट्रेक्शन इन द मेटल वी मेड द पैटर्न ऑफ लाइट लार्जर साइज दिस डिफरेंस इन द साइज ऑफ पैटर्न एंड ऑफ फाइनल कास्टिंग इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रेक्शन अलाउंस बिकॉज इट अकर्स ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम पोरिंग टेम्परेचर टू द रूम टेम्परेचर ठीक है अब इससे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जनरली ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो वॉल्यूमेट्रिक होता है ठीक है ये कॉन्ट्रैक्शन होता वॉल्यूमेट्रिक है लेकिन हम इसको लीनियरली एक्सप्रेस करते हैं ठीक है अब एक बात और याद रखनी है ये वाला जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है कैसे नेचर का होता है पॉजिटिव अब बोलोगे सर पॉजिटिव का मतलब हो गया क्योंकि हमें इसमें डायमेंशन एड करनी पड़ रही है हमें इसमें क्या करनी पड़ रही है डायमेंशन ऐड करनी पड़ रही है पैटर्न पे डायमेंशन ऐड ही तो करनी है पैटर्न पे देखना है पैटर्न पे डायमेंशन ऐड कर रहे हो तो वो पॉजिटिव अलाउंस होता है पैटर्न पे से डायमेंशन घटा रहे हो तो वो नेगेटिव अलाउंस होता है तो ये अलाउंस कौन सा अलाउंस होता है पॉजिटिव ठीक है हाँ लेकिन ग्रे कास्ट आयरन के केस में ये नेगेटिव होता है ग्रे कास्ट आयरन के केस में कैसा होता है नेगेटिव क्यों क्योंकि ग्रे कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब आप इसको ठंडा करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ये एक्सपेंड होता है ठंडा करने पर ये एक्सपेंड होता है इसीलिए उसमें उल्टा आता है बाकी सब में ये नेगेटिव रहता है ठीक है ओके सो द वॉल्यूम ऑफ दिस अलाउंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल अलग अलग मटेरियल के लिए ये जो कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस है इसकी वैल्यू अलग अलग रहती है ठीक है तो ये कुछ मेटल की है
ये जो कॉन्ट्रेक्शन अलाउंस दिया जाता है वो मीटर पर मिनट एमएम पर मीटर में दिया जाता है। मतलब अगर आपकी कास्टिंग एक मीटर की है, एक मीटर की कास्टिंग है तो कितने एमएम, तो कितने एमएम, कितने एमएम आपको अलाउंस देना है अगर एक मीटर की कास्टिंग है, तो उसके बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जनरली जो ज्यादा होता है जिंक और लेड के लिए, जिंक और लेड के लिए 24 मतलब 24 एमएम का हमें कॉन्ट्रेक्शन अलाउंस देना पड़ता है 1 मीटर लेंथ पे। अगर 1 मीटर लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट है तो हमें 24 एमएम कॉन्ट्रेक्शन अलाउंस उसको देना पड़ता है। ठीक है भाई, ओके। व्हाइट कास्ट आयरन के लिए 24 है, ग्रे कास्ट आयरन के लिए सबसे कम है, क्यों? क्योंकि भाई ये एक्सपेंड नहीं होता, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्सपेंड हो जाता है हल्का सा, इसीलिए इसमें कम होता है, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसीलिए सबसे कम ग्रे कास्ट आयरन में होता है और सबसे ज्यादा जिंक लेड में होता है। ठीक है, अब देखो एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको इसको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ, इस डायग्राम के थ्रू आप इसको पूरा समझ सकते हो, दिख रहा है डायग्राम? अच्छा एक बात मैं आपसे पूछ सकता हूँ, हाउ कॉन्ट्रेक्शन अलाउंस इज रिप्रेजेंटेड, कॉन्ट्रेक्शन अलाउंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन एमएम पर मीटर, मतलब कितने एमएम का आप अलाउंस दे रहे हो एक मीटर के रिस्पेक्ट में, 1 मीटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ओके। अब ये बताइए आपको ये तीनों डायग्राम समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया आ रहा है? चलिए मैं समझा देता हूँ। पहला डायग्राम लिक्विड कॉन्ट्रेक्शन का है, ये आपकी पूरी आपकी मान लिया ये कास्टिंग थी पहले, ठीक है, आपने क्या किया, ये नॉट कास्टिंग, ये आपका मोल्ड है, आपने मोल्टर मेटल इसके अंदर फिल किया हुआ है, आपका मोल्टर मेटल यहां वाली स्टेज में आ गया, सबसे ऊपर वाली स्टेज में, ठीक है, ओरिजिनल लिक्विड मेटल है, और ये मैंने बोला है कि ये आपका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000। अब बोलोगे सर ये 1000 कौन सा वाला है, मैं बता देता हूँ, ये स्टेज वन, ये टू, ये स्टेज थ्री, ये स्टेज, ये टू से थ्री, ये टू, ये थ्री, और ये थ्री से ये फोर। अब बोलोगे सर ये 1000 कौन सा वाला है, तो अभी मैंने 1000 बोला था ना आपको एल्यूमिनियम के रेस्पेक्ट में, बता बात की थी कि नहीं की थी, की थी ना, कि एल्यूमिनियम का हमने पोरिंग टेम्परेचर 1000 मान लिया है, तो मैंने माना कि भाई अभी आपका जो मोल्टन मेटल कैविटी के अंदर है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। देखो ये हालांकि ये वाला लेक्चर जो है थोड़ा टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग है, आपको इतना टाइम लिखने में नहीं लगाना है, मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम लगा इसलिए क्योंकि मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता था, है ना, आपके माइंड में अगर क्लियर नहीं होगी तो फिर गलती करोगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, क्योंकि व्हाई व्हाट आर द एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ कॉन्ट्रेक्शन अलाउंसेस, ऐसा भी हो सकता है कि 3 स्टेज आपसे पूरा एक्सप्लेन करवा लिया जाए, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा ना किस किस तरीके से, तो जब तक नहीं बताओगे तब तक नहीं होगा, ओके। चलिए तो बात कर लेते हैं, तो पहला मैंने आपसे बोला कि आपका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल्टन मेटल था, अब क्या होगा, वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का मोल्टन मेटल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कब तक, किस टेम्परेचर तक, फ्रीजिंग टेम्परेचर जिसको बोल सकते हो आप, ठीक है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से फ्रीजिंग टेम्परेचर मतलब 650 तक। तो पहली स्टेज क्या थी, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड, 650 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी फ्रीज नहीं हुआ है, नॉट फ्रीज, ये लिक्विड ही है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड एल्यूमिनियम, 650 डिग्री सेंटीग्रेड के लिक्विड एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हुआ, तो देखो 1000 से जैसे ये 650 तक पहुंचा तो मोल्टन मेटल पिघल गया, सॉरी मोल्टन मेटल थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया और पहली स्टेज से यहां से लेकर के दूसरी स्टेज तक पहुंच गया, तो ये कॉन्ट्रेक्शन होगा क्या, नहीं होगा, तो ये जो कॉन्ट्रेक्शन है वो आपका लिक्विड कॉन्ट्रेक्शन होगा, ये लिक्विड कॉन्ट्रेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। दूसरा डायग्राम देखते हैं, अब दूसरी स्टेज में क्या हुआ, आपका दूसरा ये वाला स्टेज तो है आपकी लिक्विड स्टेट 650 की, 650 डिग्री सेंटीग्रेड की लिक्विड स्टेट है, और ये जो स्टेट है तीसरी वाली ये आपकी 650 की सॉलिड स्टेट है, तो ये कौन सा कॉन्ट्रेक्शन हो गया, सॉलिडिफाइंग कॉन्ट्रेक्शन हो गया कि नहीं, ये 650 का लिक्विड और ये 650 का सॉलिड, यहां देखो इन दोनों में, दूसरे वाले डायग्राम में देखो, तो क्या होगा, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका मेटल, जो डॉटेड लाइन आपको यहां तक दिख रही थी, अब वो डॉटेड लाइन नीचे तक आ गई कि नहीं आ गई, मतलब आपका मेटल और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये कब हुआ, जब आपका लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो सॉलिडिफाइंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया,
और ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन कंपनसेट कर दिए जाते हैं राइजर के थ्रू, राइजर एंड गेट में जो मेटल अवेलेबल होता है उनके थ्रू। तीसरा जो कॉन्ट्रैक्शन आप देख रहे हो वो सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन है। वो सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा, आपकी जो तीसरी स्टेज थी यहां से नीचे तक और ठंडा हो गया, चारों तरफ से ठंडा होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगा आपका 650 डिग्री सेंटीग्रेड का सॉलिड एल्यूमिनियम रूम टेम्परेचर तक ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर तक सॉलिडिफाई हो गया। तो 650 से रूम टेम्परेचर तक सॉलिडिफाई होगा तो क्या होगा, ये फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस कॉन्ट्रैक्शन को हमने बोल दिया है, नाम दे दिया है सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। और ये सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन ही जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है कौन से अलाउंस के लिए, श्रिंकेज अलाउंस, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, विच अलाउंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आई थिंक यू हैव क्लियर, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी कोई डाउट लग रहा है कि सर ये चीजें नहीं समझ में आई, तो मैं एक बार और बता दूंगा। आपको आ गया समझ में, पहला अलाउंस है तो जिसमें yes, थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी जो चार अलाउंस और है ना तो बहुत छोटे छोटे, बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे, बहुत जल्दी से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है या और, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर लेता हूँ।